जी हाँ, दोस्तों में भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर होगी सीधा 3,000 रुपये। सीएम मनोहर लाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री बोले घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन हटेगी, जिसको लेकर के कर दिया ऐलान। अक्टूबर हरियाणा देश का बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है। बुजुर्गों की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी करके 3,000 रुपये मासिक किए जाएंगे। अब प्रदेश के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर भी पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही पेंशन बन रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चौधरी चरण सिंह हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय IG सभागार को जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और राशन डिपाओं में गड़बड़ी की जांच करेगी ACB। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के समक्ष दिव्यांग को लेकर के नागरिकों के जिले में कुछ राशन डिपाओं पर गड़बड़ी की शिकायत की गई। मुख्यमंत्री ने राशन डिपो पर फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन लेने सहित राशन से जुड़ी अन्य शिकायतों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को करने को आदेश दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मौके पर ही 22 लोगों की पेंशन बनवाकर कार्ड प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को घरों के ऊपर गुजरने वाली लाइन को हटाया जाएगा। प्रदेश के सरकार ने 151 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। दोस्तों जुड़े रहे ईडी न्यूज़ से। ईडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।